तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जाति निवास आय का कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जाति निवास आय बनवाने पर आपको एक रिसीविंग प्राप्त होता है। जब आप रिसीविंग प्राप्त करते हैं तो उस पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर निवास बनाते हैं तो निवास का सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर आप जाति बनवाते हैं तो जाति का सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर आय बनवाते हैं तो आय का होता है। और आपका पूरा डिटेल्स उस पर प्रिंट हो जाता है, और आपका डेट किस दिन के बनाए और किस दिन प्राप्त होता है। तो जाति निवास जो भी अगर आप बनवाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कीजिएगा। सर्टिफिकेट आपका क्या होता है कि बनकर तैयार हो जाता है और आपको मैसेज नहीं प्राप्त होता है, और उस टाइम आपको बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो आप अब इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। अगर आपके पास रिसीविंग हो, या चाहे रिसीविंग भी ना आपके पास हो, तो अगर आपके पास जाति निवास आय का तीनों आपको सर्टिफिकेट नंबर हो, आवेदन नंबर, तो आप उससे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। कहीं भी अगर आप जाति निवास आय बनवाते हैं, या कहीं भी, या किसी का भी जाति निवास अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपके घर या फैमिली या किसी भी, तो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं जाति निवास आय का सर्टिफिकेट आवेदन संख्या अगर आपके पास है। तो चलिए, कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। पहले नंबर तो आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ से हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना है एक वेबसाइट का नाम, सर्विस प्लस। आपको सर्विस प्लस लिख कर यहाँ सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप आते हैं स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट में एक मिल जाती है RTPS। RTPS की एक ऑप्शन मिलती है, RTPS वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप RTPS का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज खुलकर आ जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। आप जिस भी राज्य से हैं, जैसे आप दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो भी हैं, तो आपको, जैसे हम बिहार से हैं तो हम सर्विस प्लस जो कि बिहार लिखा है तो हम बिहार पर ही क्लिक किए हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश पर क्लिक कीजिएगा। दिल्ली है तो दिल्ली पर क्लिक कीजिएगा। सभी का प्रोसेस एक ही है, सिर्फ आपको राज्य चेंज कर देना है, बाकी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, लोक सेवा आयोग का अधिकार की सेवाएँ, तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए और आ जाना है, और यहाँ आपको मिल जाती है सर्टिफिकेट डाउनलोड। पहले मैं आपको हेडिंग में बता देना चाहता हूँ कि हेडिंग पहले आपको पढ़ लेना है। देखिए, नागरिक अनुभव आपको ऑप्शन लिखा है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे मिल जाती है, देख सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसको आपको कुछ टच नहीं करना होगा, यानी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। इस पर आपको आवेदन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना होगा, और किनका बना हुआ उनका यहाँ नाम डाल देना, मेल, फीमेल या जो भी है उनका जितना नाम है पूरा डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से डालना है, कौन से, चलिए हम आपको बताते हैं, लेता हूँ। देखिए, ये आपको, देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर होता है, इसको क्या करना होगा, आपको कॉपी कर लेना होगा। जैसे में हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको टच कीजिएगा, अपने आप यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आपको, तो चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम अपना नाम डाल देंगे जो भी जिनके नाम पर है, तो हम यहाँ से अपना नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद अब क्या करना होगा, यहाँ पोस्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलती है, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन पर हम क्लिक किए तो ये कह रहा है कि आप डाउनलोड अगेन, यानी आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए क्लिक करके। अब यहाँ से हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे, तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम जिस दिन डाउनलोड किए तो हमारा फाइनली सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, इस तरह से आपका डाउनलोड होकर आ गया। अगर आपका किसी भी सदस्य, किसी भी घर के, या आपका भी डाउनलोड करना होगा तो आप डायरेक्टली अपने सर्टिफिकेट नंबर, आवेदन संख्या डालकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। इसके लिए डाउनलोड करने के लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं बनवा लेते हैं या साइबर या कोई भी दुकान पर जाकर अपना जाति निवास आए, और आपको क्या करना होगा, अगर आपको डाउनलोड करना है या आपको निकलवाना होगा तो आप दूसरी जगह जाते हैं, तो पहले आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हमारा बना हुआ कि नहीं बना हुआ। इसी तरह मैं आपको फाइनली बता चुका हूँ। तो हमारी दी ही जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।